Hey guys, Robbie TV here, and in this video we are going to talk about the most renowned institute of India, Manipal Institute of Technology. तो स्वागत है आपका दोस्तों इस चैनल पे. तो जैसे कि हमने एक प्ले लिस्ट तैयार कर चुके हैं जहाँ के हमने काफ़ी अभी तक इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ के हमने रिव्यूज़ देख चुके हैं. तो आज हम बात करेंगे मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में. तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी इंडिया रैंकिंग और वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में. तो जैसा कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 701 के बीच 750 के बीच बीच में इसका नंबर आ ही जाता है वर्ल्ड में. और काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है यार, रैंक तो इसका ठीक ही है अगर देखा जाए वर्ल्ड के हिसाब से. ये 201 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मतलब इंस्टीट्यूट है इंडिया का. तो आपको ये कर्नाटका में पाया जाएगा. हम आगे जाके इसकी लोकेशन की भी बात करेंगे. तो अब हम बात करते हैं मणिपाल इंस्टीट्यूट के कैंपस के बारे में. तो अगर दोस्तों कैंपस से पहले हम लोकेशन की बात करें तो ये जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यूडीपी कारकाला रोड, ईश्वर नगर, मणिपाल, कर्नाटका. तो दोस्तों यहाँ इसकी लोकेशन है. तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है. अगर लोगों के रिव्यूज़ देखें तो यहाँ पर दिखा आपको शो हो ही रहा होगा, नाइस यूनिवर्सिटी, हॉस्टल अकोमोडेशन, फूड कोर्ट, माइंड, कुडोज टू मैनेजमेंट ऑफ माइंड. तो यार काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल रही है मणिपाल. तो अगर दोस्तों देखा जाए तो इस कैंपस काफ़ी बढ़िया है इस यूनिवर्सिटी इस इंस्टीट्यूट का. अगर इसके आसपास मॉल्स या थिएटर्स की बात की जाए तो इसके पास एक बहुत ही बढ़िया सिनेमा है, भारत सिनेमा. तो ये भी इसके पास ही पड़ जाता है. हर वीकेंड आपका प्लान बन सकता है जाने वाने का. तो इन्जॉय भी कर सकते हो आप मणिपाल इंस्टीट्यूट की लाइफ. तो अगर देखें जाए इसकी मणिपाल इंस्टीट्यूट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, अगर आपको इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल में करनी है तो आपको 10th और प्लस टू बोर्ड में मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आने हैं. और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, फिज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश आपके मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए. केमिस्ट्री ऑप्शनल है. तो दोस्तों आपको ये देना है. तो और एक दोस्तों ये जैसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़, जेई मेन या एडवांस का एग्ज़ाम प्रेफर करती हैं, तो ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम प्रेफर करती है, एमिटी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट. तो अगर हम बात करें बीटेक की हम बात कर चुके हैं. अगर हम बात करें एम टेक एडमिशन की, तो दोस्तों ये गेट के पेपर के ऊपर प्रेफर करती है एम टेक एडमिशंस. तो हमारा मेन फोकस बीटेक का ही है. तो हम जैसे बात कर ही चुके हैं कि 10 प्लस 2 में 50% मिनिमम और फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट्स. तो अब हम अगर बात करें मणिपाल इंस्टीट्यूट के एरिया कवर्ड की, तो ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 188 एकड़ की है. तो अगर किलोमीटर में देखें तो 0.76 किलोमीटर स्क्वायर. तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ मिल जा रही है. अगर इसके मोटो की बात करें तो इसका मोटो है नॉलेज इज़ पावर. तो काफ़ी ठीक यूनिवर्सिटी है. आपको कैंपस भी बढ़िया मिल रहा है, मॉल्स वगैरह बढ़िया मिल रहे हैं आसपास. तो चलो हम दोस्तों बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की. पर हॉस्टल से पहले बात करते हैं हम हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर की. तो दोस्तों यहाँ पर आपको हॉस्टल काफ़ी महंगा मिल जा रहा है. अगर हम बात करें एसी की, तो आपका कुल मिलाकर एनुअल खर्चा ये जैसे दिखा रहा हूँ 1 लाख के आसपास मिल जा रहा है आपको. काफ़ी नए तरह काफ़ी तरह के हॉस्टल्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल हॉस्टल्स ही, जैसे कि मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ. ये आपके एसी हॉस्टल्स आ रहे हैं. इन सब के फीस स्ट्रक्चर ये एंड में लिखा हुआ है. जैसे पहले का 1,71,000 के आसपास, दूसरे का ये. तो दोस्तों आपको काफ़ी महंगा हॉस्टल यहाँ पर मिल जा रहा है. अगर बात करें हम नॉन एसी की, तो नॉन एसी का खर्चा एसी से तो कम ही होगा, पर फिर भी अगर स्टार्ट करें तो 87,000 के आसपास है. और अगर रेंट पर देखें तो 99,000 के आसपास पहुंच जाता है. ये आपका 1 साल का खर्चा है हॉस्टल का. और अगर 4 साल का देखें तो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बनने जा रहा है यहाँ पर मणिपाल इंस्टीट्यूट के हॉस्टल का. तो अगर बात करी जाए इंस्टीट्यूट के फैसिलिटीज़ की हॉस्टल के, तो दोस्तों काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको मिल जा रही है. 24x7 वाईफाई कनेक्टिविटी ऑल हॉस्टल में, सीसीटीवी कैमरास, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई 24/7, सोलर पैनल्स आपको यहाँ मिल जा रहे हैं हॉट वाटर के लिए, केयर टेकर्स आपको, हाउस कीपिंग काफ़ी बढ़िया यहाँ पर की,
तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल जा रही हैं। अगर बात करें तो उसके स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आपको कई तरह के गेम्स खेलने को मिल जा रही हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, मरीना, तो काफ़ी आपको तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के मेस फीस की। जैसा कि मैं अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मेस फीस एक साल का एनुअल खर्चा आपको 46,000 के आसपास मिल जा रहा है। तो काफ़ी ठीक है यार, मेस स्ट्रक्चर तो इतना है नहीं, अगर हॉस्टल के हिसाब से देखा जाए तो। अगर 4 साल का खर्चा देखें तो 1,84,000 के आसपास निकल ही जाएगा। तो ठीक है, मतलब आप कौन सा पूरे 4 साल का हो गया, 3 साढ़े 3 साल में प्लेसमेंट्स के लिए आ ही जाते हैं कंपनीज। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के बीटेक फ़ी स्ट्रक्चर की। अगर 4 साल का बीटेक फ़ी स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका कुल मिलाकर 14,95,000 के आसपास निकल ही जाता है 4 साल का बीटेक का खर्चा। तो काफ़ी महंगी यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर है बीटेक का। तो अगर हम मास्टर्स एम टेक की बात करें तो 7 लाख का खर्चा आपको, ये सिर्फ अकेली फ़ी स्ट्रक्चर है, अभी हमने हॉस्टल और मेस हमने ऐड नहीं किया इस दोनों में। तो काफ़ी यहाँ पर आपको महंगा फ़ी स्ट्रक्चर मिल जा रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मणिपाल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स की, जो कि हमारी इस वीडियो का मेन मुद्दा है। पर बात करते हैं सबसे पहले हाईएस्ट और लोएस्ट एवरेज पैकेज की। तो दोस्तों हाईएस्ट पैकेज इस यूनिवर्सिटी का 22 लाख पर एनम गया हुआ है। तो अगर एवरेज पैकेज देखें तो इस यूनिवर्सिटी का 7.2 लाख के आसपास एवरेज पैकेज बीटेक में गया है, 5.459 लाख का एवरेज पैकेज एमटेक में, और 4.54 लाख का एमसीए में। तो अगर ऑफर्स देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑफर्स मिल जा रहे हैं, जैसे कि 781 ऑफर्स आपको मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको दे रही है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूट करने हैं बच्चे आते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, वेस्टर्न डिजिटल, एसएपी लैब, सिट्रिक्स, GEHS, BC, IBM, डिलोटाइट। तो दोस्तों ये कुछ कंपनीज हर साल काफ़ी बच्चों को रिक्रूट करने ले जाती हैं। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी आपको ऑफर्स प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ हर साल काफ़ी बच्चों को 781 ऑफर्स जॉब के मिल जा रहे हैं बीटेक में। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपका प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। मतलब आपको 10-15 लाख आपको बड़े आराम से मिल जाएगा अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो, गुड ग्रेड्स आपने किए हैं। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यार जाने से पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो के साथ, टेक केयर।